हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे रिद्धि सिद्धि बैच में। मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी सामान्य परिचय देखने वाले हैं। मतलब हम अपने मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन या कहें कि जनरल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। ये आपका सेकेंड लेक्चर है मध्य प्रदेश जीके का। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा था उसका मैं थोड़ा सा रिकैप आपको बता देता हूं, जहां पर हमने मध्य प्रदेश की एक बेसिक मैप के थ्रू अंडरस्टैंडिंग समझी थी कि 1947 से लगा के 2000 के बाद, या ये कहें कि वर्तमान स्वरूप तक मध्य प्रदेश कैसा दिखाई देता है, ये हमने कल देखा था एक चीज। फिर हमने ये देखा था कि मध्य प्रदेश का एक्सपांशन कितना है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य क्या है, कौन कौन है, और मध्य प्रदेश जो है वो अपने पूर्वतम, पश्चिमतम और उत्तर और दक्षिण में कौन से जिले रखता है, सबसे पश्चिम में, उत्तर में, पूर्व में कौन से जिले आते हैं। ठीक है, बेसिक हमने बातें की थी। देन हमने कुछ मध्य प्रदेश के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे थे और मैंने आपके कुछ 5 से 6 डाउट क्लियर किए थे जो आपके मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा क्वेश्चंस के थ्रू जब पूछे जाते हैं तो वो गलत तरीके से पूछे जाते हैं, या फिर वो एक ही प्रश्न में 2 ऑप्शन सही होने जैसी कंडीशन पैदा कर देता है, तो वो मैंने आपको कल क्लियर कर दिया था। हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे टॉपिक वाइज, मैं आपको जहां जहां पर मुझे लगेगा कि मुझे ये चीज क्लियर करना है मैं आपको वहां पर करता जाऊंगा। मेरे पास टोटल 25 के लगभग ऐसे फैक्ट हैं मध्य प्रदेश में। मैंने आपको अभी 6 बताए हैं, 19 और बाकी हैं जो मेरे नजर में हैं, जहां पर या तो स्टूडेंट से गलती हो जाती है या फिर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हमारा वो क्वेश्चन पूछते समय गलत कर देता है। अच्छा भाइयों, दूसरी बात एक और सुनिएगा कि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जीके विद रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश एग्जाम, जो ये एग्जाम लेगा असिस्टेंट इंजीनियर की। यहां पर हम 2 चीजें क्लियर करेंगे। एक तो प्रीवियस ईयर में जो एई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, असिस्टेंट इंजीनियर में जो क्वेश्चन पूछे वो तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग जो मध्य प्रदेश की जो सिविल सर्विसेज वाली पेपर होता है, एग्जाम होती है, उसमें जो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको यहां पर करवाऊंगा। ठीक है, या उसका कंटेंट भी हम साथ में तैयार करेंगे। उससे होगा क्या, क्योंकि बॉडी तो एक ही है आपके पास, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, और इसको जो पेपर सेटर होते हैं वो अलग से नहीं देखते हैं कि हम एई के लिए पेपर बना रहे हैं या सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि दोनों एग्जाम जो हैं वो पीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली टॉप एग्जाम्स हैं। ठीक है, एक इंजीनियरिंग फील्ड में है, एक सिविल सर्विस के फील्ड में है। तो यहां पर क्वेश्चन जो है ना, आप देखेंगे कि पीवाईक्यूज इधर उधर होते हैं। इधर उधर से मेरा मतलब कि जो क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में दिखाई देते हैं उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको एई में भी दिखाई देंगे। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि उनसे मिलते जुलते या सेम क्वेश्चन आपको एई में दिखाई देते हैं, ऐसा अक्सर होते आया है। ठीक है, तो हम थोड़ी सी नजर अपनी उधर भी बनाए रखें ताकि अगर 5 क्वेश्चन भी हमारे आ गए तो वो श्योर शॉट हमारे सही हो जाए, हमें उसके बारे में सोचना ना पड़े, क्योंकि आयोग के आंसर की हमारे सामने होती है कि फाइनल आयोग आंसर क्या मान रहा है, तो उस तरीके से ये बात है। चलिए, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि इसको देखने के पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपकी पहली क्लास नहीं छूट जाना चाहिए। राइट, पहली क्लास जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, वहां से बेस बनाया है, उसमें बहुत सारी बातें की हैं हमने, बहुत सारे मध्य प्रदेश की चीजों के बारे में मैंने आपको अवेयर करवाया है, उसके बाद हम इस सेकेंड लेक्चर पर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन में सामान्य परिचय जो अभी हमने बताया है ना, वन लाइनर के टाइप में आने वाला है आपके सामने, फिर उसको मैं जहां जरूरत पड़ेगी मैं डिटेल भी करता रहूंगा। देन ये हमारी बात थी जहां पर हम मल्टीपल कैपिटल्स को पढ़ेंगे, मल्टीपल गंगा मध्य प्रदेश की पढ़ेंगे और मल्टीपल गांधी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। तो चलिए, सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन का है, और इंट्रोडक्शन में मैं यहां पर आपको सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से नाम है, मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है, डिफरेंट नेम ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, तो देखिए, एक तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है, आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया स्टेट। ठीक, क्यों कहा जाता है? मैंने पहले ही नंबर पे इसलिए लिख दिया क्योंकि इस मामले में मध्य प्रदेश का कोई तोड़ नहीं है, है ना। सोया स्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो इंडिया के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। अब हम फैक्चुअल नाम पर आते हैं। जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश जो है इसको हम हृदय प्रदेश भी कहता है। क्या कहते हैं? हृदय प्रदेश। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं उसके हार्ट वाले स्थान पर दिखाई देगा। ठीक है, फिर इसी को क्या बोला जाता है? तो इसी को बोला जाता है मध्य भारत, या फिर आप इसको मध्य भारत पहले लिख लें फिर उसके बाद लघु लिख लेंगे। इसी को बोला जाता है मध्य भारत। क्या बोला जाता है? मध्य भारत। ठीक है, ऊपर और नीचे जो दोनों बातें लिखी है लगभग कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती है। इसी को लघु भारत भी कहा जाता है ना। ठीक है, और क्या बोला जाता है मध्य प्रदेश को? तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है
मध्य प्रदेश का जो नाम है, एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश नेम है ना, ये किसने दिया था। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं कि ये जो मध्य प्रदेश नाम दिया गया था, नेम गिवन बाय हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, कौन थे? मध्य प्रदेश का नाम देने वाले हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था इनका? जवाहरलाल नेहरू। मध्य प्रदेश का नामकरण अगर किसी ने किया है तो वो किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के क्या क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश में अब टाइगर भी सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, बीच में कर्नाटका में सबसे ज्यादा टाइगर हो चुके थे तो मध्य प्रदेश से ये टैग चले गया था, लेकिन वर्तमान में जो सेंसस है, जो जनगणना है, बाघों की जनगणना, उसमें फिर से मध्य प्रदेश टॉप पे है, इसलिए टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है मध्य प्रदेश को? तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है नदियों का मायका। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका, मदरलैंड ऑफ रिवर्स। क्यों? क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा किसी राज्य में अगर नदियां बहती है तो वो अपना मध्य प्रदेश है ना। लगभग 206 के आसपास नदियां जो है वो मध्य प्रदेश में बहती है। तो सोया स्टेट बोल लीजिए, हृदय प्रदेश बोल लीजिए, मध्य भारत बोल लीजिए, लघु भारत बोल लीजिए, टाइगर स्टेट बोल लीजिए, आप बोल लीजिए इसको नदियों का मायका। आगे पढ़ के जब हम मध्य प्रदेश का जो फाउंडेशन या हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां पर एक चीज देखेंगे कि मध्य प्रदेश जब 1947 में आया और 1947 से 56 के बीच में जब इसका गठन होने का चल रहा था, तब मध्य प्रदेश जो है वो मेनली एक जगह थी जिसका नाम है, मतलब एक प्रोविंस था जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहते हैं, उस नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है, मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था पहले? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से, जो अब मध्य प्रदेश है। अब ये नाम नहीं आता है, बट पहले हमारा ये नाम चलता था। ठीक है, तो आप इसको याद रखें, ये हमारा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है ये? तो नाम है जो सब पॉजिटिव नाम, ये सारे नाम कैसे हैं? पॉजिटिव नाम है। पर कई बार मध्य प्रदेश को जो है ना वो भारत का इथोपिया भी बोला जाता है। ठीक है, पर उसको ध्यान नहीं रखेंगे, नेगेटिव वर्ड है। अभी हमारी सरकार नेगेटिव क्वेश्चन तो नहीं देगी क्योंकि एक तरीके से बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है हमारा मध्य प्रदेश, तो हम नेगेटिव पॉइंट नहीं पढ़ेंगे। ये सारे जो आपके पास लिखे हुए सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है इस तरीके से मध्य प्रदेश का। अब देखिए, मैंने यहां पर एक चीज लिखी है टाइगर स्टेट। क्या लिखा है? टाइगर स्टेट। टाइगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है इसलिए टाइगर स्टेट बोला जाएगा। मध्य प्रदेश में और भी जीव, जैसे आप तेंदुए की बात करें तो उस तरीके से, इसके नाम घड़ियाल की बात करें तो मध्य प्रदेश के नाम उनके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, लेकिन वो करंट अफेयर में मैं आपको समझाऊंगा। जब करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी उसमें जब आपको पूरी सेंसस बताई जाएगी कौन सा जीव मध्य प्रदेश में कितना है या पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा किस राज्य में वो जीव पाया जाता, तो उसके अकॉर्डिंग नाम हो जाता है। बट ये बेसिक है, ये कभी चेंज नहीं होंगे, ये चले जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहां पर आपको इनको मेंशन करवाया है। ये मध्य प्रदेश हमारा लघु भारत है, यही हमारा मध्य भारत है, तो हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ बेसिक डेटा जो हमें ध्यान रखना है। जैसे मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन की बात करें तो मैंने थोड़ा सा आपको हिंट कर दिया है, लेकिन फिर भी 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो है वो कितनी थी? तो वो थी 726 26 809, 726 26 809। ठीक है, ये हो गई मध्य प्रदेश की जनसंख्या। अगर हम बात करें रैंक की, किसकी बात करें? रैंक की, कि कितनी रैंक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि फिफ्थ रैंक है इंडिया में इसकी। कितनी रैंक है? फिफ्थ। पॉपुलेशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे बात करेंगे तो फिफ्थ रैंक है मध्य प्रदेश की। ठीक है, है ना। और अगर हम यहां पर एक चीज और बात करें कि ये जो टोटल 726 26 809 जो है, ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, तो एक और बात याद रखें कि ये भारत की जनसंख्या का 5.99% है। कितना है? 5.99% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत की कुल जनसंख्या जो है उसका 5.99% जो है ये आपका है मध्य प्रदेश में जनसंख्या है। ठीक है, ये बात। दूसरा पॉइंट देखिए, एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया कितना है, तो एरिया के मामले में याद रखें कि मध्य प्रदेश का एरिया जो है वो 308252, ठीक है, ये स्क्वायर किलोमीटर में, यहां लिखी दिया है स्क्वायर किलोमीटर में। अब इसकी भी रैंक की बात कर लेते हैं अपन की रैंक कौन सी, तो एरिया वाइज अगर अपन रैंक देखें तो मध्य प्रदेश जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड नंबर पे आता है, ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए। अगेन इसमें भी हमें बात करना है कि ये रैंक वाइज कितना है, ये तो रैंक वाइज सेकंड हो गया, टोटल एरिया कितना है, तो याद रखें ये भारत का टोटल एरिया का 9.38% है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे 9.38% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, भारत का टोटल जो क्षेत्रफल है उसका 9.38% जो है वो आपका मध्य प्रदेश है।
डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो इसकी भी हमारी बेसिक बात हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो वर्तमान में आपके पास टोटल कितने हैं, 55 जिले हैं, जिनका एक एक करके मैं आपको डिटेल बताऊंगा, कौन कब बना, किस समिति की रिकमेंडेशन से बना, ये सारी बातें अपनी आगे होने वाली है। डिविजन्स की बात करें, अभी वर्तमान में हमारे पास 10 जो है संभाग है वो और आगे बढ़ने की संभावना है, जहां ये चल रहा है कि जो निमाड़ है उसको एक अलग संभाग बनाया जाए, और कुछ जो है परिवर्तन भी चल रहे हैं जिसमें ये बोला गया है कि जो आपका जबलपुर वाला क्षेत्र है, जबलपुर वाले क्षेत्र को जबलपुर से थोड़ा सा शहडोल और आसपास की जो सीमा, क्योंकि जबलपुर में हम 9 जिले हो चुके हैं और जबलपुर संभाग अपने आप में बहुत बड़ा हो गया है, तो कुछ नर्मदापुरम को ट्रांसफर कर दी जाए, और इस तरीके से अभी चल रहा है। ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार जो है वो कुछ ना कुछ अभी निर्णय ले रही है, लेकिन जिस दिन ये फाइनलाइज हो जाएगा उस दिन आपके पास डेटा सामने आएगा। मैं अभी संभावित चीजें आपको बोल रहा हूं, अभी आपको जो एग्जैक्ट याद रखना वो ये है, इस बैच को चलते हुए मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपकी एग्जाम के 15 दिन पहले, आपकी एग्जाम के पहले 15 दिन तक जो भी करंट अपडेटेड डेटा होगा वो आपके सामने ला दिया जाएगा, क्योंकि 15 दिन पहले के बाद, मतलब वो 15 दिन का ड्यूरेशन जो रहेगा ना, उसमें तो पेपर तैयार होना, पेपर सेट होना, ये सब कुछ हो चुका होगा, तो वो एग्जाम के 15 दिन पहले क्या घटित हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एग्जाम डेट से 15 दिन पहले तक का जो भी करंट अफेयर होगा वो आपको हम विद हेल्प ऑफ YouTube या आपकी एप्लीकेशन, ऑफलाइन क्लासेस, सभी जगह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर पता कर सकते हैं। वहीं हम बात करें अपनी तहसील्स की कि मध्य प्रदेश में कितनी तहसील है, तो अभी आप 420 प्लस मानेंगे, कितनी मानेंगे, 420 प्लस, ठीक है, ये अपडेटेड होती रहती है, जैसे जिले बन रहे हैं तहसील भी नई बनती जाती है, तो 420 प्लस मान लें अभी आप फिलहाल में, अप्रॉक्स है ना। डेवलपमेंट ब्लॉक की बात करें, विकास खंड कितने हैं, तो 313 कितने हैं, 313 विकास खंड है मध्य प्रदेश में, ये विकास खंड है। वहीं आदिवासी विकास खंड की बात करें तो ये कितने हैं, तो ये याद रखेंगे आप 89, ये कितने हैं 89, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, 313 क्या है, डेवलपमेंट ब्लॉक जिनको बोलते हैं विकास खंड, और आदिवासी विकास खंड कितने हैं, तो वो 89 है, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट के नेम की, तो स्टेट नेम, और यहां पर कुछ चीजें आ रही है जो स्टेट से रिलेटेड है, तो स्टेट नेम सबको पता है क्या है, तो मैं अभी यहां पर इंग्लिश में लिख देता हूं मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश आपका मध्य प्रदेश का ऑफिशियल नेम है इसलिए मध्य प्रदेश लिख रहे हैं, बाकी मैंने अदर नेम तो आपको बता ही दिए। वहीं हम बात करें अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जैसे लिखा स्टेट कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन है आपकी, तो भोपाल है, ठीक है, आपको आगे पढ़ाते हुए ये बताया जाएगा कि भोपाल जो राजधानी है ये बाद में बनी थी, मध्य प्रदेश की पहले राजधानी तो नागपुर होने को चल रहा था, है ना, जबलपुर के लिए भी बहुत पॉइंट उठे थे कि जबलपुर को कैपिटल बनाया जाए, लेकिन कुछ कारणवश ही आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्यों नागपुर और क्यों जबलपुर मध्य प्रदेश की कैपिटल ना बनते हुए हमारा भोपाल जो है उसको मध्य प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक राजधानी बनाई गई। फिर बात करें स्टेट फाउंडेशन डे की, डे की बात कर रहे हैं कि स्टेट फाउंडेशन डे को, फाउंडेशन डे अगर हम बात करें तो हमारा फाउंडेशन जो हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1956 मध्य प्रदेश इस दिन गठित हुआ था, तो ये आपका पूरा डेट के साथ में हो गया, डेट और डे। अब न्यू फॉर्म की बात कर रहा है, स्टेट इन न्यू फॉर्म, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इन टूडेज फॉर्म, ठीक है, ये दोनों हो सकता है। तो वर्तमान स्वरूप जो है, अभी जो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो है वो कब आया, तो वहां पर भी आपको याद रखना पड़ेगा, वो हुआ है 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है आज आपको ऐसा दिखाई देता है वो 1 नवंबर 2000 के बाद से दिखाई देता है। स्टेट डे किसको कहते हैं, तो वही हमारा 1 नवंबर जो है यही हमारा क्या है, स्थापना दिवस भी है मध्य प्रदेश का, इसको आप क्या कहते हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट डे भी कहते हैं, स्थापना दिवस या स्टेट डे भी कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद है स्टेट सिंबल, स्टेट सिंबल जो है, स्टेट सिंबल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट एनिमल, एक्वेटिक एनिमल मतलब फिश वगैरह, ये सारी चीजें पूरी डिटेल में आपके एग्जाम में जो आता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम लोग डिटेल करेंगे कि हमारा स्टेट सिंबल में कौन कौन सी चीजें हैं, इंटरव्यू में कैसे पूछा जाता है, हमारे बर्ड में क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए अभी तो मैं यहाँ स्टेट सिंबल जो लिख रहा हूं उसमें क्या है आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर जो स्टेट सिंबल है उसमें 24 तीलियां हैं, है ना, स्पोक्स हैं यहाँ पर, ठीक है, गेहूं और धान की बालियां हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं गेहूं एवं धान की बालियां, पूरा डिटेल में अगले लेक्चर में करूंगा, लेकिन एक मिनट मैं आपको बता ही देता हूं, अगर मैंने मेंशन किया हुआ होगा तो ओके, यहां नहीं है बट मैं आपको बता दूंगा कि कैसा होता है, ठीक है। स्टेट लैंग्वेज की बात करें तो स्टेट लैंग्वेज याद रखिएगा, स्टेट लैंग्वेज हमारी हिंदी है ना, हिंदी
मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना, राजकीय जो भाषा है, ये राजकीय वर्ड चल रहा है सब, है ना, ये जो है ये सब क्या चल रहा है, राजकीय भाषा। ठीक, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम लोग, बोलियों की, डायलेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। डायलेक्ट्स की जब बात करेंगे तो वो पूरा अलग आएगा आपका, ठीक है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं अभिषेक। हाँ, ये जो स्टेट लैंग्वेज होती है ये क्या होती है कि राज्य के जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, जैसे हमारी सरकार जो कार्य करेगी वो किस लैंग्वेज में करने वाली है, तो वहां पर हिंदी को प्रिफर किया गया है। ठीक है, और एक और बात याद रख लें, ये बात आपने बोली तो मैं बता देता हूं कि ये हिंदी जो है ये याद रखें कि ये देवनागरी की लिपि में लिखी जाने वाली है। कौन सी? देवनागरी की स्क्रिप्ट में, देव ठीक है, देवनागरी की स्क्रिप्ट ये याद रखें। हिंदी किस में लिखी गई? देवनागरी की, है ना, लिपि अगर पूछी जाती है, अदरवाइज लिपि नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें हमारा फ्रूट। फ्रूट तो सबको पता होगा कौन है, तो मैंगो है। देखो मैं क्या बताने वाला हूं आप लोगों को कि अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो आपका जैसे स्ट्रेट फ्रूट है, स्ट्रेट फ्रूट जो है ना, इसमें क्या है, स्ट्रेट फ्रूट में ऐसा हुआ कि जैसे मैंगो है, तो मैंगो के बारे में ये नहीं पूछा जाएगा, मैंगो के बारे में ये पूछा जाएगा कि जो मैंगो है वो उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, या मध्य प्रदेश में कुछ मैंगोज बहुत फेमस है उनके नाम, जैसे नूर जहां प्रजाति का आम कहां मिलता है वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े। देखिए स्टेट फ्लावर की बात करते हैं हम लोग। ठीक, हाँ हमारे सर आ चुके हैं, मीना सर आ चुके हैं, है ना, ये अभी हमारे कलयुग के भगवान जो खाटू श्याम जी हैं वहां का प्रसाद लेकर आए हैं। तो आइए सर, और देखिए आज आप कोइंसिडेंस देखिए, फर्स्ट डे जिस दिन मैं अनाउंसमेंट के लिए आया था उस दिन हमने कहा कि चलिए हमें मिठाई चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अपनी बैच रिद्धि सिद्धि ला रहे हैं, पहली चीज। सेकेंड डे मुझे थोड़ी उम्मीद कम थी हमारे मैनेजमेंट से, लेकिन टीम ने अच्छा काम किया कि जो हमारे भगवान गणेश को जो पसंद है वो वाले लड्डू लेकर आए। आज थर्ड डे है हमारा, ये भले ही लेक्चर सेकंड चल रहा है लेकिन है तो थर्ड डे मानूंगा मैं इसको। तो आज हमें फिर से प्रसाद खाने का मौका मिला है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल जो है वो खाटू श्याम जी का जन्म दिवस था और काफी सारे श्रद्धालु वहां गए, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव भी गए होंगे। तो अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच। आप भी लीजिए सर प्रसाद, बस बस सर बस, थैंक यू थैंक यू। सभी ले लीजिएगा प्रसाद, है ना, ठीक ठीक, मेरे को पानी ला देते। चलिए, तो मैं ये बात कर रहा था कि जैसे ये आपके पास लिखे हैं स्टेट फ्लावर, एनिमल, बर्ड, ट्री, फिश, डांस, इन सारी चीजों का हमने पूरा डिटेल किया है। ठीक है, वो लेक्चर ही आपका 1 आवर का स्पेसिफिक केवल और केवल स्टेट सिंबल के ऊपर लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको इत्मीनान से देखना, उसको डिटेल करके पूरा पढ़ना है। मैं यहाँ केवल अभी नाम लिख रहा हूं, देखो बेसिक क्वेश्चन आएगा तो यही इसी इंट्रोडक्शन की क्लास से आ जाएगा, अगर डिटेल करेगा तो फिर डिटेल में आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। ठीक, तो फ्लावर की बात करें तो देखिए बहुत सारी बुक में ये चीज गलत लिखी है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है व्हाइट लीली, क्या याद रखेंगे आप, सफेद लीली। मध्य प्रदेश का जो है वो फ्लावर जो है वो आपको सफेद लीली याद रखना है। ठीक है, क्या बुक में अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है ना, एक सेकेंड का होल्ड करते हैं हम लोग। ठीक है, ला रहे हो? चलिए, तो अब इसके बाद बात करते हैं जैसे एनिमल है, क्या है एनिमल। अब एनिमल में आपको 12 सिंगा याद रखना है, क्या याद रखना है, 12 सिंगा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये पशु है, राजकीय पशु। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजकीय पशु सबसे ज्यादा कौन से नेशनल पार्क में मिल रहा है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। 12 सिंगा जो है ये इसके ऊपर एक मस्कट बनाया हुआ है, मैस्कॉट जो भी आप बोलते हैं वो बनाया हुआ है, तो किसने बनाया है वगैरह वगैरह। स्टेट बर्ड की बात करें तो आप सभी ने सुना होगा पैराडाइज फ्लाईकैचर, क्या नाम सुना होगा, पैराडाइज फ्लाईकैचर। ठीक है, है ना, ठीक है, इसको दूधराज भी बोलते हैं। ठीक, स्टेट ट्री की बात करते हैं, ट्री हमारा कौन सा है, तो बरगद याद रखना आपको,
ठीक है। बरगद हमारे यहाँ का क्या है, बेनियन ट्री जिसको बोलते हैं, वो हमारा है। स्टेट फिश इंपॉर्टेंट याद रखिए, महाशीर, ये कौन है, महाशीर है। ठीक है, महाशीर जो है स्पेशली कौन सी नदी में पाई जाती है, तो वो भी याद रखें, नर्मदा नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी में पाई जाती है, तो नर्मदा नदी में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट डांस की। देखिए दो चीजें होती है, एक नृत्य होता है और एक नाट्य होता है। ठीक है, तो एक हमारा यहां पर है नाट्य और एक हमारा है नृत्य। ये नृत्य है, ठीक है, मेंशन नहीं किया, मैं लिख देता हूं यहां पे, नृत्य है ये। डांस की बात करें तो ये है राई, ये क्या है, राई। ठीक है, ये कहां का है स्पेशली, तो ये बुंदेलखंड का है, इससे ध्यान रखें इसको, ये बुंदेलखंड का है ना, बुंदेलखंड वाला वर्ड एक बार ये पूछा हुआ है एक्चुअल में। वैसे ही आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा, राई के बारे में बताया जाएगा जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। ठीक, वहीं पर बात करें हमारा नाटक, नाट्य, तो ये कौन सा है, तो ये है माच, है ना, ये मालवा से रिलेट करता है थोड़ा, माच है। ठीक, अभी इतना ही याद रखें। फिर स्टेट क्रॉप, जैसा कि मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश का नाम ही इससे चल रहा है, तो स्टेट क्रॉप कौन सी अपनी, तो वो सोयाबीन है। स्टेट क्रॉप कौन है, सोयाबीन। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे स्पोर्ट की बात करें हम, तो स्पोर्ट में हमारे यहाँ कौन है, तो मलखम। ठीक है, जब हम लोग और डिटेल करेंगे स्पोर्ट की बात करेंगे, तो वहां मलखम के टाइप भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि मलखम कितने टाइप का होता है, मलखम से रिलेटेड हमारे आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आने वाला है, जहां पर मलखम में हम ये बताएंगे कि मलखम पे कौन सा अवार्ड दिया जाता है। प्रभाष जोशी, आपने नाम सुना होगा, कब से स्टार्ट हुआ है, किनको दिया जाता है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, मलखम का उद्गम कहां से हुआ है, एकेडमी इसकी कहां है, एक्स वाई जेड, सभी बातें पढ़ाई जाएंगी, बट स्टेप बाय स्टेप। अभी हम बात करें स्टेट रिवर की, तो स्टेट रिवर में आप याद रखें हमारी नर्मदा है ना, नर्मदा हमारी माता, हमारे यहाँ की स्टेट रिवर है। ठीक है, स्टेट सॉन्ग की बात करें तो मैं डायरेक्टली अभी लिख रहा हूं मेरा मध्य प्रदेश, स्टेट सॉन्ग की बात कर रहा हूं मेरा मध्य प्रदेश। इसमें भी आपको डिटेल करवा दी जाएगी पूरी की, किसने लिखा है, इसके गायक कौन है, है ना, शान का नाम आपने सुना होगा, महेश श्रीवास्तव जी का नाम आपने सुना होगा, तो वो मेरा मध्य प्रदेश, सुख का दाता वगैरह जो डिटेल है वो आपको बता दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है अपनी हाईकोर्ट। हाईकोर्ट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर अलग से मेंशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट है, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट कहां है, तो मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट जो है वो जबलपुर में है। कहां है, जबलपुर, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट जो है वो जबलपुर। ठीक, हाईकोर्ट जबलपुर में है। और अब लिखा है अपने पास बेंचेस, हमारे पास क्या लिखा है यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट, बेंच। बेंच का मतलब क्या होता है, तो बेंच का मतलब होता है उसकी खंडपीठ, उसकी खंडपीठ मतलब एक से ज्यादा हाईकोर्ट वाली एक्शन कहां, मतलब जो क्रियाएं हैं, क्रियाएं बोलना नहीं चाहिए वैसे उसको, कार्य जो है, ठीक है, कौन वो काम कर सकता है, तो दो दो जगह बनाए हुए हैं हमने, एक बनाया है इंदौर में, है ना, इसकी एक बेंच कहां पर है, इंदौर में है, और दूसरी कहां है, तो दूसरी है ग्वालियर में, याद रखें ये दो, इंदौर और ग्वालियर जो है ये हाईकोर्ट की क्या है, बेंचेस है। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में हम लोग और पढ़ेंगे कि ग्वालियर में रेवेन्यू कोर्ट भी है, रेवेन्यू कोर्ट भी मध्य प्रदेश की जो है वो कहां पड़ती है, ग्वालियर में पड़ती है, पर उसको जब आएगा पॉलिटी तब पढ़ेंगे। विधान भवन की बात करें तो विधान भवन अगेन भारत, मध्य प्रदेश का विधान भवन कहां है, तो भोपाल में है। विधान भवन के बारे में आपको डिटेल करवाया जाएगा कि आप देखना, आपने कभी कभी बुक में, ये भी डाउट वाला ही है मेरे, इसमें मेंशन किया हुआ है कि मध्य प्रदेश की विधान भवन का नाम मिंटो हॉल मिलता है, कहीं इंदिरा भवन मिलता है, तो ये क्या समस्या है, क्यों ऐसा है, ये भी आपको डिटेल करवाया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है यहां पर, इसके बारे में समझें, जैसे कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी चीजें कितनी कितनी है। पहला लिखा है सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम मध्य प्रदेश। लोकसभा आपको पता है कि देश की एक ही होती है, पूरे राज्यों से जो सांसद चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो सभी लोकसभा में जाते हैं। तो टोटल लोकसभा अगर भारत की बात करें तो अभी रिसेंटली आपने चुनाव लड़े हैं जिसमें हमारी बीजेपी सरकार ने फिर से एक बार बहुमत का आंकड़ा पार किया और वो सरकार बनाने में सक्षम रही। ठीक, मतलब ठीक है, सरकार तो बन चुकी है अब। और बात करें हम लोग की, ये जो चुनाव हुए थे इसमें टोटल देश में कितने सीट पर चुनाव हुए, तो 545, ठीक है, 545 पे हुए, उसमें से मध्य प्रदेश से कितनी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखें कि सीट्स इन लोकसभा, मतलब लोकसभा में जो सीट्स हैं वो मध्य प्रदेश से कितनी हैं, तो यहां आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश से 29 सीट आती है, कितनी आती है, 29, मध्य प्रदेश से कितनी आती है, 29 आती है। ठीक, उसके बाद अपन बात करें राज्यसभा में, अब राज्यसभा में कैसे जाते हैं, तो राज्यसभा में जाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, इनडायरेक्ट मतलब जो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिसमें हम नहीं, हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं, हमने जिनको इलेक्ट किया होता है वो फिर चुनाव करके और किसी प्रतिनिधि को आगे भेजते हैं, वो राज्यसभा में भेजते हैं। तो वहां पर मध्य प्रदेश से टोटल 11 मेंबर हैं, भारत में कितने हैं, तो 252।
ठीक है, 252 है, उसमें से 247 इतने पर इलेक्शन होता है, बट ठीक है। फिर बात करें सीट्स इन विधानसभा ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीट्स हैं, तो ये भी अभी एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, लेकिन अब आप याद रखेंगे 230, आपको बुक में 230 प्लस 1 दिखाई देने लगता है, 230 प्लस 1, लेकिन वो प्लस 1 नहीं है, 230 ही बची है अब, क्योंकि वो प्लस 1 जो था वो अब जा चुका है, जो एंग्लो इंडियन का हुआ करता था, वो अगेन पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिर बात करें सीट रिजर्व्स फॉर एससी इन लोकसभा, मतलब एससी के लिए, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, एससी के लिए लोकसभा में आरक्षित सीट, ये देखिए इसका मतलब है आरक्षण की बात चल रही है, यहां पर किसकी बात चल रही है, आरक्षण की, कि कितनी सीटें जो हैं वो लोकसभा में, टोटल तो आपने बता दिया 29 है, कितनी 29, उसमें से एससी के लिए कितनी सीट रिजर्व हैं, तो उसमें से मध्य प्रदेश से 4 सीटें जो हैं वो एससी के लिए रिजर्व हैं। वैसे ही सीट रिजर्व फॉर एसटी इन लोकसभा अगर हम देखें तो यहां पर 6 सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। अभी कैसे डिसाइड होता कि 29 सीट ले लीजिए सर, 230 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, ये सभी डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मैंने फिर से याद दिलाना है आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के आधार पर डिसाइड किया जाता है। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, चलो 2026 में हमारे देश में परिसीमन होने वाला है, ठीक है। परिसीमन क्या होगा, तो परिसीमन इस चीज का होगा कि जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी हुई है उनमें फिर से रिफॉर्म होगा, मतलब उसमें बाउंड्रीज चेंज होगी। अब जैसे आप किसी भी क्षेत्र के हैं तो वहां से एक विधायक या आपके आसपास के एक दो विधायक को आप जानते होंगे, किसी एक सांसद को जानते होंगे, तो सांसद के अंदर बड़ा क्षेत्र, विधायक के अंदर छोटे छोटे क्षेत्र, तो उन क्षेत्र में भी अब बदलाव होने वाला है। और इसके लिए जो हमारी सरकार है उन्होंने रूपरेखा पहले से तैयार की हुई है, क्योंकि आपको ध्यान होगा हम लोग करंट अफेयर में ये बात आपको पढ़ाएंगे कि भारत के अंदर नया संसद भवन बना है ना, हमारे यहाँ की पार्लियामेंट हाउस नया बन गया। वो क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया कि आने वाले समय में, मतलब ये जो 2026 में उसमें परिसीमन होने वाला है, परिसीमन में नई जो है वो सीटें निकल कर आएंगी। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ टोटल भारत में 545 है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया 252 है, 545 पे चुनाव हुए हैं, है तो ज्यादा है, 550 के आसपास, यहाँ पर 250 है। तो ये जो है ये अभी वर्तमान में 1971 से चल रहा है, 1971 से चल रहा है, ये उसकी जनसंख्या के आधार पर चल रहा है। अब नई जनसंख्या 2021 की जो अब सेंसस का जो डेटा आएगा उसके बाद 2026 में परिसीमन चालू होगा, ठीक है। तो तब तक तो हम लोग एक सीट ले ही लेंगे, हम पढ़ क्यों रहे हैं, एक सीट लेकर और अपना मामला सॉर्ट आउट करें, उसके बाद जो सरकार को करना है वो करती रहे, अपनी सीट पक्की हो जाना चाहिए, ठीक। चलिए उसके बाद बात करते हैं सीट रिजर्व फॉर एससी इन विधानसभा, टोटल विधानसभा में कितनी सीट थी, 230। अब एससी के लिए कितनी सीट है मध्य प्रदेश की विधानसभा में रिजर्व, तो याद रखें वो 35 है, कितनी है, 35, ठीक है। और रिजर्व सीट फॉर एसटी इन विधानसभा अगर बात करें हम लोग तो वो कितनी है, तो वो है 47। अब मैं आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। देखो कैसे हमारे यहां पर क्या हुआ, एक बार पीएससी क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है और वो ये बोलता है कि मध्य प्रदेश में, क्वेश्चन क्या पूछता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितनी है, ठीक। फिर से अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश में कहां लिखा जाए इसको तो ज्यादा बेटर होगा, हम लोग इस स्लाइड पे है ना, चलिए हाँ मैं यही लिख देता हूं शॉर्ट में, मध्य प्रदेश में विधानसभा में कुल आरक्षित सीट, क्या लिखा, कुल आरक्षित सीट है ना, ऐसा लिखा, रिजर्व सीट्स इन मध्य प्रदेश विधानसभा, ठीक है। और ऑप्शन क्या दे रहा है, देखिए 35 बी ऑप्शन, 47 सी ऑप्शन, 82 डी ऑप्शन, 4 ये लिख के दे रहा है वो आपको ऑप्शंस, ठीक। चलिए आंसर करिए, जितने बच्चे लाइव है अभी, जितने स्टूडेंट्स लाइव हैं, मुझे इसका आंसर करिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल आरक्षित सीट या टोटल रिजर्व सीट्स इन मध्य प्रदेश विधानसभा, यहां मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूं, टोटल,
फोर तो नहीं यार, फोर मत बोलो, वो तो लोकसभा की बात हो गई, वो तो मैंने ऑप्शन बनाने में दिया। 47, 82, वेरी गुड। ये अनुराग, 82 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। आपने एक चीज ध्यान नहीं दी शायद, आपने ये चीज ध्यान नहीं दी कि जब यहां आपको बताया जा रहा था तो आप यहां पर देखिए, यहां 35 लिखा है, लेकिन ये 35 जो है, ये 35 किसके लिए है? वो है एससी के लिए। फिर आप देखिए यहां जब आपको 47 बताया गया तो ये 47 किसके लिए है? वो है एसटी के लिए। लेकिन आप अब कंबाइंड देखिए ना, इन दोनों को जब आप कंबाइंड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? वो आएगा 82। और ये 82 क्या है? ये 82 जो है वो टोटल रिजर्व सीट है। ये टोटल रिजर्व चाहे अब, अच्छा उसने ये थोड़ी पूछा था कि वो आपका एससी का पूछना चाह रहा है एसटी, उसने तो बोला था टोटल रिजर्व सीट बताइए, तो आंसर इज दी 82। वेरी गुड, है ना? अनुराग का भी सही है और पीछे आंसर फिर, हाँ जी जी, चिराग का भी सही है, बिल्कुल, है ना? समझ गया आप बात? तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन, है ना? कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा सा इसको वहां टेकल करना है, ये आप सीख जाएंगे खैर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमारे साथ, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को टेकल करते आपको आना इसलिए चाहिए था क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन इस बात का था कि उसने पूछा क्या है आपसे। और कभी कभार आप ना ऐसे देखें तो देखो 35 बोलने के पहले आप देखिए कि 47 भी तो नीचे लिखा है, मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो हमसे, एससी के लिए पूछना चाह रहा है या एसटी? और फिर नीचे 4 लिखा, जिनका आंसर 4 था ऊपर चले गया, मैं आंसर नहीं देख पा रहा हूं, बट 4 तो बिल्कुल गलत है, 4 आंसर नहीं सही हो सकता भाई हमसे, यहां पर तो विधानसभा बोल दिया ना। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे आप, है ना? फिर हमारे पास क्या है, सीट रिजर्व फॉर एसटी एससी इन राज्यसभा। तो यहां आपको एक पॉइंट याद रखना है कि राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं होता है, राज्यसभा में कोई भी आरक्षण नहीं होता। मैं यहां लिख रहा हूं नो रिजर्वेशन इन राज्यसभा, नो रिजर्वेशन इन राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाता है तो इसलिए सीट की कोई बात यहां पर नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो बात हमारी पीछे छूट चुकी थी वो क्या थी? मल्टीपल चीजों के ऊपर, कि हम मल्टीपल कैपिटल्स देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश की। अभी आपने कैपिटल देखी भोपाल, है ना? लेकिन मल्टीपल कैपिटल है मध्य प्रदेश के पास, मल्टीपल गंगाएं भी हैं और फिर हमारे पास मल्टीपल गांधी भी हैं, ऐसे कई सारी चीजें हैं मल्टीपल के नाम से, वो धीरे धीरे आती रहेंगी आपके सामने। बस अब आज इन तीन पॉइंट पर हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए कैपिटल्स की बात करते हैं। अब बच्चे बच्चे को पता है कि मध्य प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जो मध्य प्रदेश की वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है, प्रशासनिक राजधानी जिसको आप कहते हैं, वो भोपाल है। प्रशासनिक राजधानी कौन है? भोपाल है। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो ही जाएगा, इसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं, करेक्ट आंसर इज भोपाल। दूसरे नंबर पे देखिए यहां लिखा है मध्य प्रदेश की समर कैपिटल कौन सी है। मध्य प्रदेश की क्या पूछा गया है? समर कैपिटल पूछा गया, गर्मी के दिनों में या ग्रीष्मकालीन राजधानी, यहां लिखा भी है, ये लिखा हिंदी में भी लिखा, प्रशासनिक राजधानी भोपाल, ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो पचमढ़ी है, यह मध्य प्रदेश के समर कैपिटल कहलाता है। फिर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की मैंगनीज कैपिटल कौन सी है। अब यहां पर किसके संदर्भ में पूछा गया? यहां पर हमसे पूछा गया है खनिज के संबंध में। अब मैंगनीज बहुत ज्यादा होता है इसीलिए यह क्वेश्चन बन रहा है, तो मैंगनीज कैपिटल जो है वो बालाघाट है। क्लियर। उसके बाद हमसे पूछा गया है जुडिशियल कैपिटल। जुडिशियल कैपिटल मैंने अभी आपके सामने बात की थी थोड़ी देर पहले कि मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट है वो कहां है, तो जबलपुर में। तो जुडिशियल कैपिटल या न्यायिक राजधानी जिसको कहते हैं, न्यायिक राजधानी, वो भी कहां है? जबलपुर में है। अच्छा, जबलपुर एक कैपिटल और के लिए जाना जाता है, और वो किसके लिए जाना जाता है? तो संस्कार कैपिटल के लिए। आप देखेंगे संस्कारधानी किसे कहा जाता है, है ना? तो संस्कारधानी जबलपुर को कहा जाता है। तो याद रखें संस्कार राजधानी या संस्कारधानी जबलपुर से संबंधित है, जबलपुर है। क्लियर है आपको? यहां पर मैंने कितनी बता दी? 3, 2, 5 हो चुकी है, और आगे आइए। चलिए अब आता है एनर्जी कैपिटल। नेक्स्ट क्या है? एनर्जी कैपिटल। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जो है वो है हमारी सिंगरौली। क्यों? क्योंकि यहां पर देश का सबसे बड़ा नेशनल थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, मतलब थर्मल पावर प्लांट लगा है जिसका नाम एनटीपीसी के नाम से आप जानते हैं, नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन जो है हमारा, उसका सबसे बड़ा प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लगा है। ठीक, धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए। आज आप याद रखिए कि एनर्जी कैपिटल में हमने सिंगरौली देखा, सिंगरौली में वर्ड क्या बताया गया? एनटीपीसी। चलिए थोड़ा सा मेंशन भी कर देते हैं इसको साथ में। अब जब यहां पर वर्ड एनटीपीसी आ चुका है तो जब हम पढ़ेंगे नेशनल थर्मल, तो थर्मल में आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा एनर्जी में, कि थर्मल मतलब क्या? जिसमें हम लोग कोल को बर्न कर रहे हैं, कोयले को जला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? एनर्जी अक्वायर करके उसको हम हीट को
वाटर को सप्लाई करते हैं, स्टीम बनाते हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये पूरी प्रोसेस है थर्मल पावर प्लांट की। तो कोयला कहां से लाएंगे? सिंगरौली के पास में, सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं, जिसके बारे में हम आगे चलेंगे। शहडोल का आपने नाम सुना होगा, है ना, कोयले की मोटी परत कहां पाई जाती है, कोयला कहां से निकलता है, किस क्षेत्र से कोयला निकलता है जो सिंगरौली को दिया जाता है ना। तो इस तरीके की बातें आएंगी जो कोरिलेट कर पाएंगे आप, ठीक। देन हम बात करने वाले हैं आगे हमारा कमर्शियल कैपिटल की। कमर्शियल मतलब हमारी व्यावसायिक राजधानी। कौन सी राजधानी? व्यावसायिक राजधानी। तो कमर्शियल कैपिटल सोचने की जरूरत नहीं है, इंदौर कमर्शियल कैपिटल कौन हो जाएगी? इंदौर। अब इंदौर तीन जगह पे नाम आता है, एक है आपका कमर्शियल कैपिटल के नाम पर, फिर आपको याद रखना है स्पोर्ट कैपिटल के रूप में, मध्य प्रदेश का इंदौर आपको स्पोर्ट कैपिटल के रूप में भी याद रखना है, देन आपको मध्य प्रदेश का इंदौर टेक्सटाइल कैपिटल के रूप में भी याद रखना है। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? जो वस्त्र उद्योग से रिलेटेड होता है उसको टेक्सटाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों आंसर जो है वो कहां है? इंदौर का है। तो कौन कौन सा? एक आप याद रखें यहां पर टेक्सटाइल के लिए, एक आप याद रखें कमर्शियल के लिए, और एक आप याद रखने वाले हैं किसके लिए? तो एक आप याद रखने वाले हैं हमारे स्पोर्ट के लिए। अच्छा, ये भी अभी मॉडिफिकेशन होने वाला है आई थिंक, जो है पीथमपुर, जो है पीथमपुर आप लोगों ने सुना होगा जो धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अब शायद पीथमपुर भी वहां से हटेगा धार डिस्ट्रिक्ट से, है ना। तो कुछ चल रहे हैं, मॉडिफिकेशन की बात आ रही है, जैसे होगा ही हम आपको बता देंगे, ठीक। फिर हम बात करने वाले हैं रिलीजियस कैपिटल, इंपॉर्टेंट रिलीजियस कैपिटल, धार्मिक राजधानी की बात करें। आई थिंक ये बात बच्चा बच्चा बता देगा कि धार्मिक राजधानी कहां है। तो धार्मिक राजधानी मध्य प्रदेश की जो है वो उज्जैन है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारा कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश वन सेकेंड, है ना, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें एक चीज मेंशन कर दूं मैं, टिल 1956, ठीक है, 1956 तक। देखिए मैंने आपको कहा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी किसको रखने का चल रहा था? नागपुर को। तो ये आ गई ना बात सामने कि नागपुर जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी होने वाला था, ठीक है। लेकिन नागपुर को फिर हमने महाराष्ट्र को दे दिया, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि नागपुर महाराष्ट्र में चले गया और फिर ये जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो अपनी यही रह गई। तो टोटल पीछे पांच, यहां पर ये जो पांच लिखी थी, देन अगली पांच, ये टोटल 10 तो कैपिटल मैंने आपको बता दी। और ये आप याद रखेंगे कि 1956 के पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर भी थी। वैसे अलग अलग राजधानियां थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी की, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी इतना याद रखें, ठीक। चलिए, ये हुई हमारी राजधानियों की बात। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में डिफरेंट गांधीज की, मतलब मध्य प्रदेश में कितने अलग अलग व्यक्तियों को क्या क्या नाम से जाना जाता है और क्या गांधी का उपनाम दिया गया है उन्हें। तो पहले नंबर पे आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है झाबुआ का गांधी। क्या लिखा है? झाबुआ का गांधी। तो एक सेकेंड ना, हाँ, इसका मैंने हिंदी कर दिया है पीछे। आप देखें झाबुआ का गांधी किन्हें कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे झाबुआ के गांधी के नाम से जो व्यक्ति फेमस है उनका नाम है महेश शर्मा जी। क्या नाम है इनका? महेश शर्मा जी, ठीक। देन हम बात करने वाले हैं हमारे मालवा के गांधी के बारे में। तो मालवा के गांधी किन्हें कहा जाता है, तो मिश्री लाल गंगवाल जी जो है इन्हें मालवा का गांधी कहा जाता है, ठीक है। कौन है ये? मिश्री लाल गंगवाल जी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे भीलो का गांधी किसे कहा जाता है, तो भीलो का गांधी कहा जाता है मामा बालेश्वर दयाल को, या मामा बालेश्वर दयाल, जो भी आप बोलना चाहें इनको। मामा बालेश्वर दयाल जो है वो किनके गांधी कहे जाते हैं, तो भीलो के गांधी। नेक्स्ट हम बात करें कि आदिवासी गांधी किन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखें यहां पर आदिवासी गांधी जो है, आदिवासी गांधी मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग ठक्कर बप्पा को बोला जाता है, ठीक। लेकिन अगर मैं आपको फिर से कह रहा हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं? आदिवासियों का गांधी। मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आया, आंसर आया ठक्कर बप्पा। अगेन कंफ्यूजन वाला पॉइंट। आप देखेंगे कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो हैं, ये भी आदिवासी गांधी के नाम से बहुत ही फेमस है, ठीक है। आदिवासी गांधी के नाम से क्यों फेमस है? क्योंकि वो संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, प्लस गांधी जी की विचारधाराओं को फॉलो किया और काफी इन्होंने वर्क किया है इस फील्ड में, अहिंसा और सत्याग्रह एक्स वाई जेड जो भी गांधी जी की विचारधाराएं थी उनको पालन करते हुए इन्होंने किया है काम। इसलिए रामदयाल मुंडा जी भी आदिवासी गांधी कहलाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ठक्कर बप्पा का नाम पहले नंबर पे आया, तो हम ये याद रखेंगे। तो दोनों याद रखें आप, ठीक है। फिर हम बात करें फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किन्हें कहते हैं, तो इसे सीमांत गांधी कहते हैं, है ना। और ये एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। ये व्यक्ति हुए जिनको क्या बोला जाता था? सीमांत गांधी। और एक और नाम आप याद रखेंगे यहां से कि एक व्यक्ति को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। गांधी जी के फिफ्थ सन ऑफ गांधी कौन कहलाते हैं? तो जमनालाल बजाज कहलाते हैं, ठीक है। तो ये पांच गांधी जी के अलग अलग नाम, स्पेशली टॉप फाइव जो है वो तो आपको याद रखना ही है। छठा वाला जो मैंने बताया मिसलेनियस से रिलेटेड है, जहां पर फ्रंटियर गांधी कौन है इन्हें पूछा जा, सॉरी फिफ्थ सन ऑफ गांधी कौन है वो पूछा जाता है।
ठीक है, इनका हिंदी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि कौन क्या है, तो उस तरीके से आप याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा मल्टीपल गंगा। मध्य प्रदेश में कई सारी ऐसी नदियां हैं जिनको गंगा की उपाधि देकर बोला गया है, जैसे पहले नंबर पे आप देखें कि गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, क्या लिखा है, गंगा ऑफ मध्य प्रदेश। आपको मैं ऑफलाइन क्लासेस की ये बात बताता हूं, अभी तो आपके सामने ये पूरा प्रिंटेड है इसलिए मैं ऑनलाइन में ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बट ऑफलाइन में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास में कि बताइए मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है या विच रिवर इज नेम्ड मध्य प्रदेश की गंगा, तो क्वेश्चन का आंसर ये आता है कि सर नर्मदा नर्मदा नर्मदा, ठीक है। लेकिन आप हमसे क्वेश्चन पूछें कि किस एस्पेक्ट में हमसे पूछ रहे हैं, किस पॉइंट को ध्यान में रख के पूछ रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की गंगा जब आपसे पूछा जाए तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ऑन द बेसिस ऑफ पॉल्यूशन, यहां नहीं लिखूंगा मैं, आगे लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के आधार पर, किसके आधार पर, प्रदूषण के आधार पर। जब भी क्वेश्चन आए तो आपको किसके बेसिस पे पहले पूछा जाएगा, तो वो आपसे पूछा ही जाता है प्रदूषण के आधार पर, ठीक है। तो आप ध्यान रखें ये बात कि प्रदूषण के आधार पर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बेतवा रिवर का नाम करना है, और अगर कुछ ना दिया जाए, मतलब कोई बेसिस नहीं दे रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो आप तो डायरेक्टली आंसर करेंगे बेतवा। पहला क्वेश्चन ही इसलिए लिखाया गया है यहां पर कि आप बेतवा आंसर कर लें, ठीक है। पर अगर मैं केवल बेतवा लिख के छोड़ देता और अगर आ जाता कि बताइए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रेट, है ना, मतलब पवित्रता, इसको सेक्रेट की स्पेलिंग एक बार देख लेना, पवित्रता के आधार पर पूछ लिया जाए, अगर किसके आधार पर पूछ लिया जाए, पवित्रता के आधार पर, ये देखिए मानसी का आंसर आ चुका है। मानसी कह रही है कि मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो नर्मदा को कहते हैं, मैंने वही कहा है ना, मैं वही कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि इतनी जल्दी नहीं, ठीक है, बेतवा को कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा, ठीक है। चलिए अब ये दो चीजें हो गई आपके सामने, इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन सा है, तो बेतवा वाला आंसर बिल्कुल सही है, बेतवा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करके देता है कि पवित्रता के आधार पर बताएं, तब आप जरूर याद रखें कि नर्मदा, ठीक है। फिर अब मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, मालवा की गंगा अगर अपन बात करें तो मालवा की गंगा कहा जाता है शिप्रा नदी को, किसको बुलाया जाता है, शिप्रा नदी, तो ये शिप्रा नदी रही। फिर आदिवासी गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखें आदिवासी गंगा माही नदी को कहा जाता है, धार झाबुआ जिले से बहने वाली ये माही नदी राजस्थान में जाती है, और धार झाबुआ जो जिले हैं ये आदिवासी या हमारी ट्राइबल जो जनजाति है उसके लिए बहुत फेमस है, वहां पर इनका काफी ज्यादा घनत्व है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर बहने वाली नदी, ऐसा याद रखें कि आदिवासी गंगा के नाम से माही रिवर को जाना जाता है। माही रिवर की भी डिटेल है, बहुत प्यारी रिवर है ना, माही चलती है मध्य प्रदेश से राजस्थान में जाती है, अगेन फिर बंगाल की खाड़ी में भी गिरने की कोशिश करती है, और माही जो है वो कहीं विलुप्त हो जाती है राजस्थान में फिर ऊपर आती है, ऐसी इसकी स्टोरी है। कर्क रेखा को दो बार काट देती है माही, तो है इसके बारे में, पश्चिम दिशा में बहती है, नर्मदा और ताप्ती का सपोर्ट करती है, तीसरी रिवर है जो पश्चिम दिशा में बहती है मध्य प्रदेश की। तो चलिए फिर बात करते हैं गंगा ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की ही रिवर थी जो आपकी बेतवा थी, बेतवा रिवर जो है ये बुंदेलखंड की गंगा के नाम से भी फेमस है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। मालवा की गंगा आप अगर आपसे पूछा जाएगा आप शिप्रा नदी का याद रखें, बुंदेलखंड की गंगा बोला जाता है बेतवा नदी का नाम याद रखें, आदिवासी गंगा बोला जाता है तो आप माही नदी का नाम याद रखें, इन जनरल पूछा जाता है तो आप बेतवा नदी बोले, प्रदूषण के आधार पर बोला जाता है आप बेतवा नदी बोले, पवित्रता के आधार पर बोला जाता है आप नर्मदा नदी का नाम लेंगे। क्लियर है यहां तक की सारी बातें, क्लियर है क्या, ये जितनी भी गंगा मैंने आपको बताई, यहाँ पर गांधीज बताए, अनेक गांधी, ये पूरी बातें लिख दी है मैंने। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या थे, ये हमारी डिफरेंट कैपिटल्स हैं, ठीक। फिर हमारे पास ये जो आज हमने स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने आपको मध्य प्रदेश का बेसिक पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, मध्य प्रदेश में कौन चीज क्या है, मध्य प्रदेश को किन नामों से जाना जाता है, बीमारू राज्य की संख्या मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, बीमारू राज्य नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है अपने राज्य को बीमारू कहना, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है ये बातें सारी। चलिए तो आज का हम अपना सेशन, ये रिविजन देखिएगा आप, इसको पूरा क्लियर याद रखिएगा, सारी चीजें आपको टू द पॉइंट याद होना चाहिए। इनकी डिटेल मैंने आपको कह दी है कि इनकी सारी डिटेल जो है, जितने भी स्टेट सिंबल, बर्ड, ट्री, जो भी है, इन सभी की डिटेल पूरा अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। ये आपका नॉर्मल पॉइंट है, ये आपका रिलेट करता है थोड़ा सा पॉलिटी से,
मैंने अभी केवल ऊपर ऊपर मेंशन कर दिया है। इवन जब आप पॉलिटी डिटेल करेंगे तो वहां पर आपको लोकसभा में जो सीट्स रिजर्व है 4, वो कौन कौन से जिले में है, जो 6 सीट रिजर्व है लोकसभा की वो कौन कौन से क्षेत्र या जिले में आती है, वो भी पूरा डिटेल करवाया जाएगा। ठीक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीएससी ने पूछा हुआ है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ध्यान रखें इसका, थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करने लायक है ये क्वेश्चन, है ना, काफी दिन हो गए दोबारा नहीं पूछा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखें कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए उसके बाद क्या है अपने पास, ये हमने मल्टीपल चीजें पढ़ी, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम काफी डिटेल में और आगे पढ़ेंगे अपना। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें बता सकते हैं, अभी फिलहाल में ये आप जो है हमारी एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में एक ये प्रॉब्लम आई कि सभी स्टूडेंट्स जो हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं ऑनलाइन के, उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा था, है ना, तो कुछ बच्चों का आज मैसेज आया कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, तो देखिएगा आज आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिला या नहीं मिला, शायद वहां कुछ एरर आई होगी या आपने कुछ ब्लॉक किया हुआ होगा, तो आप हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर में हर बार बता देता हूँ, इस डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिलेंगे, आप ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि उन्हें लाइव क्लास का नोटिफिकेशन या मैसेज क्यों अलर्ट नहीं आया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।